अस्सलाम वालेकुम आई टू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप आप सब ठीक ठाक। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी करी थी सागुदाने से, जो कि बहुत हेल्दी होती है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और बड़े भी जब आप इस तरीके से बनाते हैं, और बच्चों को जो है ना और बड़ों को भी, हर एज के लोगों को जो है ब्रेकफास्ट जो है ना बहुत अच्छा सा करना चाहिए, हेल्दी करना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल वे से बनता है। सागुदाने को मैंने कोई धो के आधा घंटा जो है वो भिगोया था, और उसके बाद उसका पानी निचोड़ के जो है ना वो मैंने जितना दूध मुझे चाहिए था और जितना सागुदाना चाहिए था, तकरीबन ये मैं 1 किलो दूध से बना रही हूँ, और इसको जो है ना मैंने डाल दिया था दूध में पकने को रखा था, और फिर 3-4 इलायचियाँ जो है ना उनको मैंने पीस के मोटी मोटी क्रश करके डाल दिया था। उससे इसकी खुशबू बहुत मज़े की हो जाती है, और आपको लगता है कोई बहुत ही मज़ेदार यम्मी किस्म का डिज़र्ट, जो हम अनहेल्दी डिज़र्ट खाते हैं ना, उससे अच्छा है कि हम हेल्दी बनाएं, तरीके से बनाएं और मज़ेदार बनाएं। तो वो मैंने जो है वो पका के थोड़ा सा गाढ़ा होने पे फ्रिज में रख दिया था नीचे, ठंडा होने पे इसमें जो है ना जो भी फ्रूट्स पड़े थे मेरे पास, अंगूर और बनाना ही पड़े थे, और पड़े थे ऑरेंज पड़े थे, ऑरेंज तो बंदा इसमें नहीं डाल सकता है, तो इसमें एप्पल डाल सकता है, अनार डाल सकता है, और जो भी मतलब मीठे फ्रूट्स हैं ना वो इसमें डाले जा सकते हैं, और ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत यम्मी भी बनता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो मैं ब्रेकफास्ट जो बच्चों को बना के देती रहती हूँ, और उसके अलावा भी दिन में मैं एक आध चीज़ ऐसी बच्चों को लाजमी बना के देती हूँ जिसमें फुल हेल्थ हो, और वो बच्चे नहीं सिर्फ खाते, मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। और आज हम व्लॉग बनाते बनाते बात करेंगे कि आप जो है ना वो मोटापे का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं, और अगर मोटापा है तो आप इसे कैसे कम कर सकते हैं, जो मर्ज़ी खाएँ आप लेकिन उससे आप जो है ना वो मोटे नहीं होंगे, तो इस चीज़ को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, मोटापा जो है ना, ओबेसिटी जो है ना, वो आती जब है जब हम खाते हैं और खाते रहते हैं और टीवी के आगे या वैसे ही बैठे रहते हैं, मतलब खाते हैं और बैठ जाते हैं, इससे सिर्फ मोटापा ही नहीं आता यकीन जाने, इससे जो है ना शुगर आती है तो फिर लीवर इशू आते हैं, और फिर जो है वो ब्लड प्रेशर आता है, और फिर खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आता है। मतलब ज़िंदगियाँ इतनी छोटी इसीलिए हो गई कि हम सिर्फ खाते रहते हैं और बैठ जाते हैं। आप जो मर्ज़ी खाएँ, खाने के फ़ौरन बाद बैठा मत करें, आप कम से कम 50-60 कदम जो है ना वो लाजमी चलें तेज़ी से, और इसके अलावा जो है ना अपने आप को, मतलब खाने के बाद आपने नहीं बैठना है। और एक चीज़ जो है सबसे अहम है कि खाने से ना आप 1 घंटा आधा घंटा पहले पानी पिएं और तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद पानी पिएं, इन दो चीज़ों को भी जब आप करेंगे ना फिर आप जो मर्ज़ी खाएं आप जो है ना वो मोटे नहीं होंगे। अगली बात क्या है कि खाने को ना बहुत चबा के आप खाया करें, जल्दी जल्दी नहीं खाया करें, उससे भी मोटापा आता है पेट में जो है ना वो आपके मैदा डिस्टर्ब होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो मैंने बच्चों के लिए बच्चों को जो है वो ब्रेकफास्ट में मैंने सागुदाना दे दिया था जो मैंने बनाया है, और उसके बाद जो है ना पैटीज़, चिकन पैटीज़ मैंने बना के रखी हुई हैं, और बच्चों के लिए जो है ना वो मैं सैंडविच रेडी कर रही हूँ लंच बॉक्सेस के लिए। और ये मेरी मॉर्निंग की जो है ना सुबह सुबह की रूटीन है कि बच्चों को लंच में कुछ ना कुछ जो है ना वो मैंने देना ही होता है। मैं कोशिश ये भी कर रही होती हूँ कि शाम में मैं वो बनाऊँ जो कि मैं सुबह बच्चों को लंच में भी दे दूँ, तो इस तरह से भी हो सकता है। लाइक आपने शाम में अगर कोई मैक्रोनी टाइप बनाई है, आपने कोई पास्ता बनाया, आपने चावल बनाए, तो आप लंच में बच्चों को जो है ना वो दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से। अच्छा, मेरे बच्चे ना वो शामी जो दाल और चने की दाल और चिकन की बनती है ना या बीफ की बनती है वो नहीं खाते, हाँ बता ये वाली चिकन की जो पैटी बनती है ना जो बर्गर में डलती है, ये बच्चे शौक शौक से खा भी लेते हैं और हेल्दी भी होते हैं इसमें, क्योंकि हम वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं इसमें, हम जो है वो अंडा भी डालते हैं इसमें, हम फिर चिकन भी डालते, तो ये काफ़ी जो है ना वो हेल्दी हो जाती है। और एक बच्चे मेरे को जो है ना वो अंडे वाली चाहिए होती और एक को नहीं चाहिए होती, तो फिर एक में मैंने अंडा लगाया और एक में जो है ना वो नहीं लगाया, और हल्का सा इनको फिर मैंने तवे पे जो है ना वो इस तरह से थोड़ा सा ब्राउन कर दिया आग 0 फ्लेम पे, तो दोनों के जो है ना वो ब्रेकफास्ट जो है वो साथ साथ जो है ना वो रेडी हो रहे होते हैं, और साथ साथ जो है ना वो बच्चों को जो है ना वो और भी काम चल रहे होते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट जो है ना वो मतलब जो है वो मैंने हेल्दी ही बच्चों को देना होता है। तो दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं, बीच बीच में अपनी रूटीन भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ, तो बाकी जो है ना वो टॉपिक पे आते हैं, तो आप लोग मुझे देखते हैं कि मैं जो हूँ ना मैं बिल्कुल भी मुझे ओबेसिटी का इशू नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि अगर सुबह में मेड आ भी रही है ना क्लीनिंग के लिए, तो शाम में मैं जो है ना वो लाजमी पोछा लगाती हूँ
बैठ के लगाती हूँ। रात को मैं जो है वो अपने हस्बैंड के साथ वॉक पे जाती हूँ और हम बहुत बड़ा चक्कर लगा के आते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, और जो है ना वो शायद ही कभी मिस हो जाए। परसों मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं नहीं जा सकी, लेकिन हम लोग जो है ना अपनी इधर सोसाइटी का बहुत बड़ा चक्कर लाजमी तेज़ी से लगा के आते हैं। बच्चों को साथ नहीं ले जाते इसलिए कि बच्चे जो है ना वो स्लो चलते हैं और हमें बहुत तेज़ चलना होता है। वो छोटा सा चक्कर नहीं होता, रात को 10-11 बजे लगाते हैं, बहुत अंधेरा होता है, वरना मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो लाजमी शेयर करूँ। तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि शाम में वो चक्कर लाजमी लगाऊं आप लोगों के लिए, दिखाऊं आप लोगों को कि मैं कितना बड़ा जो है ना वो चक्कर जो है ना वो लगाती ही लगाती हूँ। तो खाने का कुछ भी मतलब आप अगर खाना चाहते हैं ना तो फिर आप जो है ना वो मतलब अपने आप को लाजमी जो है ना वो अपनी बॉडी को मशक्क़त में डालें, काम लाजमी कोई ना कोई करें। और जिन्होंने खाना खा के गाड़ी में बैठना है और फिर एसी में जाके मर्द हजरा जो हैं जाके अपने ऑफिस में बैठ जाना होता है, तो उनको तो ना रोटी खानी चाहिए, ना नान खाने चाहिए, ना पराठा खाना चाहिए। उनको फिर क्या खाना चाहिए कि वो जो भी अपना कोई फेवरेट खा रहे हैं ना, एक तो उनको बहुत चबा के खाना चाहिए, और दूसरा क्या करना चाहिए कि उसके साथ जो है ना वो बॉयल राइस ले लें, क्योंकि उनका सब वो सारा निकल जाता है, प्लेन राइस जो होते हैं जिनको पहले हम बॉयल कर लेते हैं फिर जो है वो हल्का सा दम पे लगा के बना लेते हैं, तो इससे और फिर साथ में या फिर वो साथ में ले लें सैलड ले लें, मतलब वो रोटी चावल नान से दूर रहें और चावल मतलब बॉयल वो साथ में ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी ट्रिक है, जो ट्रिक है कि आप अपने आप को स्मार्ट रख सकते हैं। मतलब जिन्होंने कुछ भी अगर आप जैसे कोई मज़दूर है ना तो वो पत्थर भी खाएगा तो उसको हज़म हो जाएगा, लेकिन जिसने खाना है और बैठ जाना है तो वो जान ले कि वो फिर जो है ना वो ओबेसिटी का भी शिकार होगा और मोटापे का भी शिकार होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है मतलब, तो एक तो खा के फ़ौरन बैठना नहीं है, 50 कदम लाजमी चलें जहाँ भी हो सके, अपनी गैलरी में चल रहे हैं, छत पे चल रहे हैं, सहन में, सड़क पे, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है ना जहाँ भी, अब उसको लाजमी जो है ना वो लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करें। अच्छा, यहाँ पे बच्चे चले गए थे तो बच्चों के जो सुबह का टाइम होता है ना उसमें मेरे बहुत सारे बर्तन होते हैं, क्योंकि बच्चों का लंच बन रहा होता है और कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी साथ साथ बन रहा होता है, तो साथ साथ धोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है और काफ़ी बर्तन जो है ना वो जमा हो जाते हैं, और सुबह को ये काउंटर भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इसको मैं ना सुबह को तो वैसे तो सुबह के बाद तो जो भी फिर मैं बनाऊँ वो साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन सुबह को फिर मैं इसको बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और ये देखें बर्तनों का ना ढेर हुआ पड़ा है, और उसके बाद जो है ना वो बर्तन अच्छे खासे थे, तो बर्तनों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है, तो 10-15 मिनट में आपके 20 मिनट में बर्तन धुल जाते हैं। अब तो अबीहा भी टाइम नोट करके मुझे बताती है कि मम्मा मैंने तो बर्तन 15 मिनट में धो लिए अच्छे खासे, मतलब वो भी एक्सपर्ट होती जा रही है माशाल्लाह से, एक माँ की अच्छी हेल्पर जो है ना बेटी भी होती है। तो बर्तन बस थोड़े से मैंने धो के आप लोगों के साथ शेयर किए, बाकी भी मैंने जो है ना वो कैमरा फिर बंद कर दिया था। मैंने कहा अगर बर्तन धोने की वीडियो बनाती रही ना तो फिर 1 घंटे की तो बर्तन धोने की ही वीडियो होगी, क्योंकि वीडियो जब बनाते हैं ना तो वो काम आपका स्लो हो जाता है, वैसे आप जल्दी जल्दी बर्तन धोएंगे 15 से 20 मिनट में, ज़्यादा बर्तन है ना तो वो लग 15 से 20 मिनट में, लेकिन अगर आप वीडियो में रखते हुए दिखाएंगे धोते हुए दिखाएंगे तो फिर वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन जो है ना वो मेरे धुल चुके थे, और मुझे ये नहीं समझ आती कि जब आप रैक में लगाते हैं तो आपको साफ़ क्यों करते हैं लोग, तो मैं बस रैक में लगाती हूँ, रैक में ड्राई हो जाते हैं, और अगर जहाँ के कैबिनेट्स वगैरह में रखने के जो होते हैं फिर मैं उनमें जो है कैबिनेट्स में रख देती हूँ, जो नहीं रखने वाले होते वो रैक में पड़े रहते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो बस बर्तन धुल गए हैं, और उसके बाद जो है वो मैंने फिर क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन थे, ये वाले रैक में मेरे जो है ना वो पड़े होते हैं जो कांच वगैरह के और डिनर सेट के होते हैं, और इस वाले में जो है ना वो फिर मेरे जो साथ में रेड छोटा सा रैक है उसमें स्टील वगैरह के पड़े होते हैं। तो उसके बाद सिंक को भी एक ये मेरी डेली की आदत है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं कि मैंने सिंक के एरिए को जो है ना उसकी जो बैक की वॉल है और पूरा सिंक एरिए को अच्छे से बहुत जो है ना वो मैंने लगा के डिश वॉशर उसको मैंने अच्छे से धोना होता है, और ये मेरा फिर जो है ना वो मैं मुतमिन इसी तरह से होती हूँ कि मैंने एक दफ़ा अच्छे से इसको जो है ना वो एक बार तो धोना ही धोना होता है, और उसके बाद जो है ना दिन भर जो भी बर्तन फिर होते हैं फिर उसके साथ के साथ हल्का सा बस सिंक में हाथ मार दिया, क्योंकि वो सिंक भरा हुआ नहीं होता, वो साथ के साथ धुलते रहते हैं, तो सिंक भी फिर इतना गंदा नहीं होता है। लेकिन जब सुबह के जो बर्तन ढेरों ढेर आप धोते हैं तो ये पूरा एरिया क्योंकि बर्तन पड़े होते हैं तो फिर जो है ना इसको बहुत अच्छे से क्लीन करना बहुत जो है ना वो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सारा जो काम है ना वो हो चुका है,
मॉर्निंग का तो समझें कि जो है वो, इसके बाद जो है वो मैंने क्लीनिंग कर ली, उसके बाद जो है वो मैंने सारे जो काम छोटे मोटे थे, कपड़े समेटना, बेड शीट्स ठीक करना, हस्बैंड के कपड़े जो थे वो उनको वो लॉन्ड्री होके आए हुए थे उनको हैंग करना, तो काफ़ी सारे काम जो है ना वो करने के कर लिए थे मैंने तकरीबन 11-12 बजे के करीब। और ये वाला जो मेरा किचन का एरिया है ना, यहाँ पे आप यकीन जाने कि दिन में कोई बहुत बार जो है ना पोछा लगता ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो अबीहा भी कुकिंग कर रही होती है, मैं भी कुकिंग कर रही होती हूँ, बच्चे जो है ना वो खुद ही कुछ ना कुछ डाल के ले जा रहे होते हैं, तो ये वाला जो है ना इस पर मुझे वहम ही हुआ रहता है, वहम नहीं वैसे सही वहम हुआ रहता है कि ये जो है ना थोड़ी देर के बाद जो है ना फिर मैंने ये इसका यही हल निकाला हुआ है कि इसके पोछे को जो है ना वो मैंने वाइपर पे एक चढ़ा के रखा होता है और उसको मैं फिर धो के जो है ना वो लटका देती हूँ ऐसे ही वाइपर को थोड़ा सा ऊपर करके, और वहाँ पे जो है ना फिर वो लगता रहता है। और यहाँ पे अबीहा और को शौक हो रहा था, अबीहा और उसकी दोस्त को, उसको भी साथ बुला मिला लेती होती हूँ कि ये चॉकलेट केक बना रहे हैं, वो सामने देखें ब्राउन बाउल में ना इसने चॉकलेट भी खुद ही पहले बनाई और उसके बाद चॉकलेट केक भी खुद ही बनाया, कोको पाउडर से इसने पहले चॉकलेट बनाई थी और उसके ऊपर लगाने के लिए, और ये देखें इसने कितना अच्छा माशाल्लाह से जो है ना वो चॉकलेट केक बनाया, और ये फिर जो है ना इसने ऊपर इसके जो चॉकलेट बनाई मेल्ट करके कोको पाउडर्स के साथ, उसमें पता नहीं क्या क्या डाला, ये इसकी अपनी रेसिपी है, तो इसने जो है ना केक बना लिया था। और फिर वही बात के दोबारा जब इन्होंने केक शेक बना लिया दोबारा, फिर मैंने यहाँ पे जो है ना वो इस वाले एरिया में जो है ना वो मैंने लगाया पोचा लगाया, तो यहाँ पर जो है ना केक इनका देखें भाफ निकल रही होगी बन बन के, और ये मुझे भाफ इतनी अच्छी लग रही थी, ये देखें किस कदर अच्छी जो है ना भाप निकल रही है। अच्छा, अगर दोबारा हम अपने मोटापे के टॉपिक पे बात करें ना, तो फिर से मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको कुछ खाने का भी दिल करता है ना, तो अपने हाथों से बनाएं और वो खाएं, बेकरी पे जाके उसके आइटम खाने से परहेज़ करें। तो यहाँ पे जो है ना वो दोपहर में हमने खाए थे साबत मसर पके हुए थे बहुत मज़े के साथ, सैलड वगैरह और रोटी, और जो है ना वो दोपहर का खाना था। तो इनकी मसर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने जो है ना वो फिर आप लोगों के साथ मसर्स की जो है ना, मसर्स क्या होता है, साबत मसर की रेसिपी जो है ना वो मैंने दोबारा आप लोगों के साथ जो है ना वो नहीं की शेयर। और जो है ना अबीहा जो है ना वो उसने केक बनाया और फिर अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी जो है ना वो बांटा। और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि मैं शाम का खाना बना रही हूँ, पाकिस्तानी औरतों की आधी ज़िंदगी से भी ज़्यादा जो है ना वो खाने बनाने में गुजर जाती है, और इसके साथ थे आलू कोफ्ते बहुत मज़े के बने हुए, और जो है ना मुझे आलू कोफ्ते जो है ना वो मुझे शोरवा जो थोड़ा सा पतला शोरवा होता है ना मुझे इस टाइप के पसंद है, तो ये भी सिंपल से थे बने हुए लेकिन टेस्ट अच्छा था। और ये मेरा आज का व्लॉग था, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और पतला रहना है तो स्मार्ट रहना है, मोटापे की तरफ नहीं जाना। ये रुस्तम भी पराठा खा रहे हैं, तो मतलब आपने खाने के बाद बैठना नहीं है। अभी हम लोगों ने खाना खाया था और इसके बाद जो है ना वो हम लोग वॉक पे चले गए थे, और वॉक से आके जो है ना वो फिर इशा की नमाज और फिर नाइट स्किन केयर रूटीन, और उसके बाद जो है ना वो मेरी जो है ना वो रात का रूटीन का एंड होता है। तो ये मेरी बिज़ी रूटीन होती है और ये डेली की ऐसी ही होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं वीडियो बना में आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती लेकिन मैं करती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।